हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह शहर कानपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और शहर कानपुर की पहचान बन चुके हैं। शहर कानपुर को नादिया शायरी के हवाले से बहुत दूर दूर तक पहुंचा चुके हैं। ज़ैनुल आबदीन कानपुरी साहब काजी शहर कानपुर तशरीफ़ फरमा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। एक शायर ने कहा था, क्या तुम्हारे शहर में शेर कहना फ़र्ज़ है? जो भी मिलता है कहता है मतला अर्ज़ है। ये हमारा वो शहर है अल्हम्दुलिल्लाह, इस शहर पर हम फ़ख्र करते हैं और ये फैज़ान है सरकार मखदूम शाह आला जाजमवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सुभानअल्लाह, एक बार ज़रा उनके नाम पर कह दीजिए सुभानअल्लाह। हर ताजदार कानपुर का जब नाम आए तो उनके नाम पर हाथों को उठा के कहा करिए सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह, मिंबर शरीफ पर जलवा बार अकाबरीन उलमा अहले सुन्नत हुज़ूर काज़ी शहर कानपुर उस्तादुल उलमा मेरे उस्ताद ग्रामी हज़रत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला मिसबाही सदर आल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा शहर कानपुर मिंबर शरीफ पर जलवा बार हूँ। भाई शुएब अज़हरी साहब बारगाह मौला अली असगर में एक शेर पढ़ रहे थे। हुरमला हुरमला नहीं होता पाँव पर, वो क्या मिसरा था? गोश से उतर आते, हाँ गोद से उतर आते गर हुसैन के असगर। हाँ पाँव पर खवा अपने हुरमला नहीं होता। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और ज़ैनुल आबदीन भाई की दुआएं चाहता हूँ। ये आ रही है सदा जुल्म की चट्टानों से, ये आ रही है सदा जुल्म की चट्टानों से, सगीर जीत गया शाम के जवानों से। ये आ रही है सदा हजरत, ये आ रही है सदा जुल्म की चट्टानों से, सगीर जीत गया शाम के जवानों से, शाम के जवानों से, और सिपाहे शाम से असगर ने कह दिया हंसकर, अमा तुम गुबार हो उलझो ना आसमानों से। सिपाहे शाम से असगर ने कह दिया हंसकर, अमा तुम गुबार हो उलझो ना आसमानों से। हुसैनियों ऐसा लग रहा है तुम थक गए हो ना, लेकिन आपको आपका मियार आपको याद रखना चाहिए। एक आशिक ने आपके ताल्लुक से कहा था कि हरगिज जबान दे के मुकरते नहीं है हम, चाहते हैं दार पर तो उतरते नहीं है हम कत्ल हो के पहुँचते हैं कुरान की आयतें, नेजे भी जानते हैं कि मरते नहीं, नेजे भी जानते हैं कि मरते नहीं है हम, नेजे भी जानते हैं कि मरते नहीं है हम। हजरात आप थके हुए लग रहे हैं, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हुसैनियों के अंदर ये मिजाज नहीं पाया जाता। हुसैनियों के अंदर मिजाज तो ये पाया जाता है कि ये नहीं मिलता किसी रुख से 72 थक गए, हाँ मगर लिखा है रावी ने कि लश्कर थक गए, और करबला से शाम तक कातिल यही सोचा कि ये अमा सन नहीं थकते मगर चल चल के खंजर थक गए, सर नहीं थकते मगर चल चल के खंजर थक गए, चल चल के खंजर थक गए। हजरात आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ में अब हम गुजारिश करते हैं अपनी जमात को उस अज़ीमुल शान खतीब, एक जबरदस्त इल्म व फ़ज़्ल का अज़ीमुल शान कोहिनूर हीरा, जिसकी रोशनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में महसूस की जाती है, जिसकी रोशनी के तवस्सुल से बड़ी आसानी से हम तीरगी को मात देते हैं, जिनकी तलात फिक्र से मुल्क का गोशा गोशा रोशन है, जिनके इल्मी शौकतों का परचम दिलों के फसील पर लहरा रहा है, जिनके इल्मी फैजान से पूरा हिंदुस्तान फैजियाब हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि उस अफ्तरी खतीब की बारगाह में इल्तमास करूँ। आप जानते होंगे हजरत ज़ैनुल आबदीन जो इस वक्त सामईन के दिलों की धड़कन बने हुए हैं, वो कब माइक तक आएंगे। बहरहाल हजरत के खिताब के बाद फौरन इंशाअल्लाह हजरत ज़ैनुल आबदीन कानपुरी साहब, क्या किया जाए, पूरे मुल्क में जहां जाते हैं ज़ैनुल आबदीन कानपुरी जलसे वाले उन्हें आखिर तक रोक करके रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनुल आबदीन कानपुरी पहले तो हमारा पूरा जलसा हो जाए, समझ रहे हैं, फिर उसके बाद किसी को सुना नहीं जाता है। ये बात बिल्कुल सच है और पूरे मुल्क के जलसों का यही हाल हो चुका है, मुशायरों का यही हाल हो चुका है। ये अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पूरे मुल्क का महबूब शायर हमारे मिंबर पर बैठा है। कानपुर वाले आज तक जब तलक की अपनी मोहब्बतें नहीं पेश कर देंगे ज़ैनुल आबदीन कानपुरी के गोद में, जब तलक की चाहेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उस अजीम शान खतीब की बारगाह में जो अम्बेडकर नगर की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, आइए अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल ना रहे तकबीर और रिसालत की सदा में कर लें। हमारे भाई हाफिज़ मुशीर साहब तशरीफ़ ले आए और वो देखिए कितने मुनकसरुल मिजाज हैं कि वो कुर्सी पर बैठ गए। ज़ैनुल आबदीन भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर वो मिंबर शरीफ की जीनत बन जाए तो बहुत अच्छा हो।
होगा, क्योंकि जिस जगह से हजरत आए हैं वहाँ के एक शायर ने कहा था कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। आप बहुत बुलंद हैं, अगर मिंबर शरीफ की जीनत बनेंगे मेरी हौसला अफजाई होगी। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लें, जिसके पास एक हाथ है एक को उठा दे, जिसके पास दो है दोनों को उठा दे, जिसके पास नहीं है मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। नारे तकबीर, आवाज भी कानपुर वाली होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, कानपुर का जियाला सुन्नी मुसलमान, मुहाफिजीन मसलक आला हजरत, उनसे मुकद्दस फैनान फैजान हजरत ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह الحنان المنان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب القرآن أشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ونبي الله حي يرزق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سروسا مدد قبلے دی مدد کعبے امام مدد بگردا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی پاک خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانا زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما आज एक वली और अल्लाह के दोस्त के उर्स की महफिल में बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनकर अपने आप को महजूज कर रहे हैं, अपने ईमान को मुस्तफिज कर रहे हैं, उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं। अभी आपने मुझसे पेशतर शानदार खिताब उस्तादुल उलमा और जो इल्म बदरुल उला मौलाना आज़म वल आलम वल अफ़हम हज़रत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब के क़लम इस्माइली से आपने समाअत फरमाई और जलसे की सदारत फरमाने के लिए जिस अजीम हस्ती का इंतखाब किया गया था, जिसे हम और आप सब हामी कुरान आलिम मानी व बयान ज़ुलिल वली खान मुक्तिर बातिल अध्यान हज़रत अल्लामा रियाज अहमद साहब के बिला हस्मती जो तशरीफ फरमा थे, अभी हजरत तशरीफ ले गए यहाँ से। मैं समझता हूँ कि आप तशरीफ ले गए मगर आपकी रूहानियत यहाँ पर मौजूद है। और आज के जलसे में ऐसे नकीब का इंतखाब किया गया है जिसके लिए आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हजरत इसराइल अहमद मसूदी साहब की बिला शानदार निजामत इनकी होती है, ये बोले तो मुर्दा भी बोल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब तो जिंदा हैं,
फिर आप क्यों नहीं बोलेंगे? थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ, कुछ फरमाइश, उससे तकरीर की फरमाइश तो कम होती है, मगर हमारे शुएब भाई अज़री ने अहले बैत पर कुछ बोलने के लिए इन्होंने फरमाइश की, इंशाल्लाह मैं कुछ हदीसे पाक ज़रूर इस उनवान पर सुनाकर, चूँकि आज उसका प्रोग्राम है इंशाल्लाह, इस पर हयात अंबिया और हयात औलिया पर भी मैं कुछ देर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। मेरे बात आप ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी से, आप इनकी नाते पाक इंशाल्लाह सुनेंगे, आप घबराएं ना, मैं जानता हूँ कि आप उनके लिए बहुत परेशान हैं, बस थोड़ी देर 10-15 मिनट मुझे सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं बैठ जाऊँगा। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? एक शेर सुने आप। एक शायर कहता है कि अशकों के आईने में है सूरत हुसैन की, अश्कों के आईने में है सूरत हुसैन की। अगर आप समझिएगा तो बोलिएगा, नहीं समझिएगा तो कुछ शिकायत नहीं है। अश्कों के आईने में है सूरत हुसैन की, कि करता हूं बैठे बैठे जियारत हुसैन की। अश्कों के आईने में है सूरत हुसैन की, करता हूं बैठे बैठे जियारत हुसैन की। और आया है तेरी गोद में बानों का शीरखार, ऐ करबला संभाल अमानत हुसैन की। आया है तेरी गोद में बानों का शीरखार, ऐ करबला संभाल अमानत हुसैन की। आया है तेरी गोद में बानों का शीरखार, ऐ करबला संभाल अमानत हुसैन की। ऐ करबला संभाल अमानत हुसैन की। हजरात, बहुत ही खुशी की बात यह है, और आप हजरात को मैंने मुबारकबादी दी, मगर एक वो नाम छूट गया जिसने, मैं तो समझता हूं कि पूरे यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान को संभाल रखा है, हमारे बड़े भाई नौशाद अहमद साहब तिबला बिलग्रामी। ये वो नाम है जिन्होंने पूरे, मैं समझता हूं, हिंदुस्तान को संभाल रखा है। आप समझिए कि पूरी दुनिया में बद मजहबों के जितने चैनल्स हैं उनके मुकाबले में अहले सुन्नत वल जमात के चैनल बहुत कम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नौशाद भाई ने ये काम किया, इन्होंने लिमरा एजेंसी बनाया। आज अल्लामा मुजफ्फर हुसैन किबला मिसबाही जैसे अच्छे खतीब तकरीर, मुदल्लल तकरीरें इनकी, कुरान हदीस की रोशनी में जो तकरीरें बयान की जाती हैं, आज ये इनकी तकरीर रिकॉर्ड करके इसे यूट्यूब पर डाल रहे हैं। कल यही हमारे नौजवान जब यूट्यूब खोलते थे, कोई फिल्म देखता था, कोई जाकिर नाइक की तकरीर सुन रहा है, कोई जर्जीस को सुन रहा है, कोई जमील को सुन रहा है, तारिक जमील को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नौशाद भाई ने यह काम किया। अब कोई यूट्यूब खोलता है, अल्लामा मुजफ्फर हुसैन साहब किबला की तकरीर आ रही है, तो कभी मुफ्ती शमसाद की तकरीर आ रही है, तो कभी किसी और खतीब की तकरीर आ रही है। ये बड़ा काम इन्होंने किया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनकी सेहत में, इनके इनकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, हर तमाम आफतों से इनकी हिफाजत फरमाए। हजरात देखें, एक शेर में और आपके हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह, और जिस बोले सुभान अल्लाह। एक शेर सुने आप, और ये शेर मैं खास तौर से आप लोगों के लिए सुना रहा हूँ। एक शायर कहता है, सुन रहे ना, अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता, अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। अली वाला हर दर का सवाली हो नहीं सकता, भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। और हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो या मुफ्ती हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। मैं जानता हूं
कि मैं कितनी देर के लिए आया हूँ, इसलिए मैं बात को नहीं बढ़ा रहा हूँ। आप हजरात घबराइएगा नहीं, मैं आपको ज़्यादा देर परेशान नहीं करूँगा। इंशाल्लाह जितनी देर मेरी तकरीर होगी आपकी इजाज़त से होगी, आप जब तक चाहेंगे इंशाल्लाह तब तक मेरी तकरीर होगी। मोहब्बत से बोले सुभानअल्लाह, आओते बोले सुभानअल्लाह। देखिए मैंने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है मैं उस पर रोशनी डालूँ। मैं चाहता हूँ ये हूँ कि हम लोग आइए अपना मिलजुल कर अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसना में झूम झूम कर दुरूद शरीफ के नजराने के दिल पेश करें। फरीदो के पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदीना व शफीना हबीबीना तबीबीना करीमीना मौलाना मुहम्मदिन बारक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और आले नबी दुरूद के पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदीना व शफीना हबीबीना तबीबीना करीमीना मौलाना मुहम्मदिन बारक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब तिब्बला मिसबाही मेंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ और हजरत की दुआएं चाहता हूँ, तमाम इश्तेज वालों की दुआएं चाहता हूँ। शुआइब भाई ने फरमाइश की कि अहले बैत पर आप जरूर तकरीर करिएगा, रोशनी डालिएगा, इसलिए मैं हदीस शरीफ का मैं हदीस शरीफ आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप हजरत बेदार है ना, बेदार है, हदीस शरीफ पढ़ूं। देखिए हम लोग उस जात का और उस घराने का जिक्र करने के लिए जा रहे हैं जिसके बारे में मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जो अहले बैत से बुग्ज रखता है वो मुझसे बुग्ज रखता है, जो अहले बैत से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है, जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। यहीं तक नहीं बल्कि अहले बैत की शान क्या है अगर समझना है उनसे ज़ैनुल आबिदीन में आने वाले सुन्नी भाइयों इस हदीस पाक से सुनो कि अहले बैत पाक का मकाम क्या है। हदीस शरीफ सुनाने जा रहा हूँ, हदीस शरीफ सुनने से पहले हाथ उठाकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और जब बोले सुभान अल्लाह। देखो ये हदीस पाक, ये हदीस पाक मिश्कात शरीफ मौजूद है। हदीस पाक ये है अन ज़ैद बिन अरकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही लतदिल्लु बादी अहदुहुमा आदम मिन अलआखर किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिन अस्समाई इला अलअर्द व इतरति अहलु बैति सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हजरत ज़ैद बिन अरकम रिवायत करते हैं कि मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तमाम सहाबा की मौजूदगी में कि ऐ मेरे सहाबा सुन लो, तुम्हारे दरमियान में दो चीजें ऐसी छोड़ के जाता हूं, अगर दोनों चीजों से मोहब्बत करोगे, दोनों चीजें सीने से लगाए रखोगे, दोनों चीजों को पकड़े रहोगे, इंशाल्लाह तुम्हारा ईमान हमेशा मजबूत रहेगा, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया उसमें से एक तो कुरान है मेरे आका फरमाते हैं, दूसरी मेरी आल है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दूसरी मेरी आल है यानी हसनैन करीमैन है मौलाए कायनात है सैयदा जहरा है तमाम सादात किराम है, इसलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा। ऐ सुन्नी भाइयों इसीलिए तो आज जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है जितने शायर आए हैं इमाम पाक की बारगाह में लोग शेर पढ़ रहे हैं, लोग मरकबत पढ़ रहे हैं, लोग अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम वो सुन्नी मुसलमान है ना रुपया पैसा से बिकते हैं, ना सोना चांदी से बिकते हैं, ना मालो सर से बिकते हैं, ना जमीन और जायदाद से बिकते हैं, ना दुकानों मकान से बिकते हैं, ना खेत और खलियान से बिकते हैं, ना डॉलर और रियाल से बिकते हैं। हम बिकते हैं तो मोहम्मद की याल से बिकते हैं, और जब तक न बिके थे तो कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। हजरात अगर अहले बैत का मकाम समझना है तो सबसे पहले मौलाए कायनात का मकाम समझें कि मौलाए कायनात का मकाम क्या है। खुदा की कसम सरकार मौलाए कायनात की शान में मैं एक हदीस शरीफ सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको हदीस पाक समझ में आ रही है और आप बेदारी के साथ सुन रहे हैं तो मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह, आओते बोले सुभान अल्लाह। देखिए ये हदीस पाक सुने, ये हदीस पाक भी मिश्कात शरीफ मौजूद है। हदीस पाक ये है अन इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला आखर
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين اصحابه فجاء علي تدمع عينا فقال اخيت بين اصحابك ولم تواخي بيني وبين احد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انت اخي في الدنيا والاخره يعني حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو دعوت دی صدیق اکبر کو دعوت دی عمر فاروق اعظم کو دعوت دی عثمان غنی کو دعوت دی طلحہ و زبیر کو دعوت دی سعید بن زید کو دعوت دی سعد بن ابی وقاص کو دعوت دی میرے پیغمبر نے تمام صحابہ کو دعوت دی مولا کائنات کو چھوڑ دیا علی کو چھوڑ دیا میرے آقا کی دعوت تمام صحابہ تک پہنچی مگر میرے نبی کی دعوت مولا کائنات تک نہیں پہنچی جب میرے علی سنتے ہیں کہ میرے آقا نے تمام صحابہ کو بلایا صدیق اکبر کو دعوت دی عمر عثمان کو دعوت دی طلحہ و زبیر کو دعوت دی اپنے داماد علی کو دعوت نہ دی جب علی سنتے ہیں تو علی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی مولا کائنات کو تکلیف ہوتی ہے مولا کائنات کی آنکھیں اشکبار ہو گئی مولا کائنات کو تکلیف ہوئی میرے نبی کی بارگاہ میں آیا آنکھیں اشکبار ہے میرے آقا کے پاس آئے میرے نبی کے قدموں کا بوسہ دیا عرض کیا آقا یا رسول اللہ آپ نے صدیق اکبر کو بلایا عثمان غنی کو بلایا عمر فاروق اعظم کو بلایا طلحہ و زبیر کو بلایا سعید بن زید کو بلایا یا رسول اللہ علی سے کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ آپ نے سب کو بلایا علی کو چھوڑ دیا حسن حسین کے باپ کو چھوڑ دیا خاتون جنت کے شوہر کو چھوڑ دیا شیر خدا کو چھوڑ دیا جب میرے پیغمبر دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کو تکلیف ہوئی ہے علی کو تکلیف ہوئی ہے تو میرے آقا نے فرمایا علی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کنفاؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے علی قریب آؤ جب علی میرے نبی سے قریب گئے تو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو علی کے سر پہ رکھا اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں رونے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اے علی سن لو میں نے بھائی بنانے کے لوگوں کو دعوت دی ہے آج لوگوں میں محبت کا پیغام دینے کے لیے دعوت دی ہے عثمان کو علی کا بھائی بناؤں گا طلحہ کو زبیر کو بھائی بناؤں گا تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بناؤں گا لیکن اے علی سن لو اگر میری دعوت تم تک نہ پہنچی ہے تو تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے اے علی سن لو اے علی سن لو میں نے صدیق کو بھائی بنایا تو دنیا کے لیے بنایا میں نے عمر کو بھائی بنایا تو دنیا کے لیے بنایا میں نے عثمان کو بھائی بنایا تو دنیا کے لیے بنایا میں نے طلحہ کو بھائی بنایا تو دنیا کے لیے بنایا میں نے زبیر کو بھائی بنایا تو دنیا کے لیے بنایا مگر علی تیری شان یہ ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میرا بھائی ہے یہ شاعر کہتا ہے لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں ان کے دربار کو جنت کی گلی کہتے ہیں ایک ایک حرف پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں کی شان سننی ہے تو سنے آپ ایک فقیر ہے جا رہا بھوکا ہے کئی دن سے بھوکا ہے کھانا نہیں کھایا ہے فقیر جا رہا ہے اس نے کیا دیکھا ایک جھوپڑی کے نیچے ایک بزرگ ہے جو پانی میں سوکھی روٹی کو بھگو کر کھا رہے ہیں یہ فقیر بھی گیا ادھر سے گزر رہا ہے اس بزرگ کے پاس کے بولا تھوڑا سا ہم کو بھی کھانا دے دے ہم کئی دن سے بھوکے ہیں کھانا نہیں کھائے تو جھوپڑی کے نیچے بیٹھ کر پانی میں روٹی بھگو کر کھانے والے فقیر نے کہا بزرگ نے کہا اس مانگنے والے فقیر سے کہ بابا پانی میں روٹی بھگو کر میں کھاتا ہوں تم مت کھاؤ بولا مجھ کو بھوک لگی کہا تم یہ مت کھاؤ اگر تمہیں کھانا ہے میں تمہیں ایڈریس بتاتا ہوں جو سامنے گھر دکھتا ہے وہ حسین کا گھر ہے چلے جاؤ اچھا کھانا مل جائے گا سبحان اللہ چلے جاؤ اچھا کھانا مل جائے گا فقیر گیا دروازہ ہلایا حسین پاک باہر آئے کہا کیا حاجت ہے کہا کئی دن سے بھوکا ہوں میرے حسین نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا میرے حسین اندر گئے اندر جانے کے بعد تازہ روٹی بنوائی شوربہ بنوایا
बाहर लेकर आए, उसे खाना मेरे हुसैन ने बिठा कर खिला दिया। जब खाना खाकर सैराब हो गया जाने लगा तो कहता हुसैन अगर खाना हो तो थोड़ा सा और दे दे। मेरे हुसैन ने कहा फकीर तूने तो खाना खा लिया, तू सैराब हो गया, अब खाना किसके लिए मांगता है। उसने कहा ए हुसैन जिसने मुझे आपके घर का एड्रेस बताया है, जिसने मुझे आपके घर का लोकेशन बताया है, वो तो सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाता है। मैंने अच्छा खाना खा लिया तो मैं ये सोचता हूँ कि जिसने मुझे आपके घर तक पहुँचाया है वो भी अच्छा खाना खा ले। मेरे हुसैन ने कहा किसकी बात करते हो। कहा बाबा हुसैन मैं उसकी बात करता हूँ कि जो झोपड़ी के नीचे बैठ कर सूखी रोटी को पानी में भिगो कर वो फोके फकीर खाता है। मेरे हुसैन ने देखा, हुसैन मुस्कुरा देते है, कहा ए बाबा उसकी बात ना कर, अगर उन्हें नहीं पहचानता है तो पहचान ले वो कोई और नहीं, वो मेरे बाप अली ये उन्हीं का घर है। अगर उन्हें नहीं पहचानता तो पहचान ले ये उन्हीं का घर, वो मेरे बाप अली है। खुद नहीं खाते गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। हजरत ये है मेरे मौला की शान। और अगर मौलाए कायनात की बात चल रही है, एक बड़ी प्यारी बात बताऊं मैं आपको। आप एक बात बताएं, मस्जिद में नापाक आदमी जा सकता है? तेज बोलिए ना, बहुत बड़ा सवाल हमने आपसे कर दिया। मस्जिद में नापाक आदमी जा सकता है? नहीं जा सकता ना। मगर आए खुदा की कसम बहुत प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूँ। अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ़ रख दे, बहुत प्यारी हदीस सुनाने जा रहा हूँ। मौलाए कायनात के दीवाने हैं सरकार, मौलाए कायनात का दीवाना इंशाल्लाह इस हदीस पाक को बहुत ही अच्छे से सुनेगा। मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर बोलते सुभान अल्लाह, बोले या अली या अली। देखिए हदीस पाक में मिश्कात शरीफ मौजूद है, हदीस पाक ये है नबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. فقال علي بن المنذر لذرار بن سرد ما معنى هذا الحديث؟ فقال لا يحل يستطرقه جنبا غيري وغيره. سبحان الله. حدیث پاک کا ترجمہ سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ जुमा के दिन मेरे नबी तकरीर कर रहे हैं, सामने सारे सहाबा बैठे हैं, सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं, उमर फारूक आजम बैठे हैं, उस्मान गनी बैठे हैं, मौलाए कायनात बैठे हैं, तलहा व ज़ुबैर बैठे हैं, मस्जिद में तमाम सहाबे किराम तशरीफ रखते हैं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा की तरफ मुखातर होकर फरमाया ऐ मेरे सहाबा मैं कहां हूं तुम कहां हो। सहाबा ने क्या कहा, हम मस्जिद में हैं, मस्जिद नबी में अल्लाह के घर में आए। तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये मस्जिद है ये बताओ इस मस्जिद में नापाक आदमी आ सकता है या नहीं। सहाबा ने किया का अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, यहाँ पर नापाक आदमी नहीं आ सकता है। तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुन लो, लेकिन इस मस्जिद में दो लोग ऐसे मौजूद हैं जो नापाकी की हालत में हो, जो जुनू की हालत में हो, जिन पर गुस्ल फर्ज हो, फिर भी वो मेरी मस्जिद में आ सकते हैं, वो मस्जिद से गुजर सकते हैं। जब मेरे पैगम्बर ने इतना कहा, सिद्दीक अकबर ने सोचा आका अपना नाम लेंगे मेरा नाम लेंगे, हजरत उस्मान ने सोचा आका अपना नाम लेंगे मेरा नाम लेंगे, हजरत उमर ने सोचा आका अपना नाम लेंगे मेरा नाम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।